हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप यूपी टीईटी या फिर पीजीटी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे आखिर यूपी टीजीटी का रिजल्ट के बारे में क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है। और दोस्तों, प्रूफ के साथ यहाँ पे देखने वाले हैं जो भी चीज़ें देखने वाले हैं, और यहाँ पे ये भी देखेंगे पीजीटी का इंटरव्यू कब से कब तक चलने वाला है, पीजीटी का कट ऑफ कितना गया है। दोस्तों, जितना जो लोगों ने जो है आशा नहीं किया था उससे भी ज़्यादा चला गया है यहाँ पे कट ऑफ, तो देखेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टीजीटी का कट ऑफ उतना ही रहेगा जितना मैंने बताया था, कि उससे भी हाई जाने के चांसेस हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मात्र एक सेकंड का समय लगेगा, उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे। फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपका इंटरव्यू यदि है लगा हुआ है तो आप इंटरव्यू से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। वह वीडियो आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। और यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है और आपका जो है किस सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं आखिर जो है यहाँ पर यूपी पीजीटी का जो इंटरव्यू होने वाला है वह कब से कब तक चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी पीजीटी का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए जो है दोस्तों यहाँ पर 20 अक्टूबर तक यहाँ पर इंटरव्यू चलने वाला है। यहाँ पे 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यहाँ पे इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग विषयों के लिए यहाँ पे अलग अलग बता दिया गया है कि 5 तारीख से 14 तारीख तक यहाँ पे इन विषयों का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। और यहाँ पे 2 विषय जो संस्कृत और रसायन विज्ञान है, इसके लिए 16 से 20 अक्टूबर के मध्य इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं यदि तो टीजीटी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ जितना स्टूडेंट्स ने आशा किया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उससे भी हाई चला गया है, जितना मैंने बताया था उससे भी हाई गया है कट ऑफ। जो स्टूडेंट्स कह रहे थे पहले कि जो है कट ऑफ आप हाई बता रहे हैं इससे कम जाएगा, तो दोस्तों जो मैंने बताया था, मैंने पहले भी कहा था कि इससे हाई जाने के चांसेस हैं, इससे कम जाने के चांसेस बहुत ही कम है। तो दोस्तों, वही चीज़ देखने को मिला है, ठीक है। जितने भी मैंने कट ऑफ बताए थे उससे हाई ही कटा कट ऑफ, उससे लो गया नहीं गया है कट ऑफ, ठीक है। तो जो मैं यहाँ बताया जाता है वह एनालिसिस करके ही बताया जाता है, लेकिन आप लोग जो है उसको माने या ना माने वो बात अलग है। अब बात करते हैं आखिर यूपी टीजीटी का कितना कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों, टीजीटी के लिए मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बना दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि कितने कट ऑफ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो भी कट ऑफ बताया है उससे निश्चित तौर से कुछ ना कुछ नंबर हाई जाने के चांसेस हैं वहाँ पे कट ऑफ में, ठीक है। उससे लो जाने के चांसेस बहुत ही कम है। जहाँ तक बात यह है कि आखिर कब तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो दोस्तों अक्टूबर के पहले सप्ताह तक हो सकता है कि आपका टीजीटी का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पीजीटी का इंटरव्यू था इसलिए पीजीटी का पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। टीजीटी का रिजल्ट भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में आने के चांसेस अधिक हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए, जय भारत।